वो ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें थाना अध्यक्ष, जो हमारे बरहरा थाना है, वहां तक वो बोल चुके थे कि ऐसा मुखिया आज तक हमने कभी नहीं पाया, आपके प्रखंड का ऐसा मुखिया हम आज तक नहीं पाए हम। अब इससे इसके आगे हम कहीं कुछ नहीं सकते, कहने लायक ही कुछ नहीं है कि आपकी बार आप लोग विभा देवी को जिता रहे हैं। अब कल का जुलूस देख के आप खुद बता सकते हैं, कल का फोटो अगर आप देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत अच्छा काम किए थे, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा किए। विभा देवी को आप लोग मुखिया बना रहे हैं? हम उनकी सुने जो हमारी सुने, ठीक, हम उन्हीं को चुनेंगे जो हमारी बात सुनेंगे, ठीक। ये एक ऐसा मुखिया थे जो हम लोग को बार बार आ करके हाँ क्या काम है, कुछ काम है, जो करना है करवाइए, उनसे एकदम घुल मिल के हम लोग काम करवाते थे। इस बार भी हम इन्हीं को सपोर्ट करते हैं और फुली सपोर्ट करते हैं। हाँ एकदम मुखिया एकदम पे नहीं बिक्रे, हाँ सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं कि मुखिया जी अच्छा काम करिए। हाँ देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं सुख तिवारी। इस वक्त अभी हम बड़हरा प्रखंड के पूर्वी बबुरा पंचायत में हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि पूर्वी बबुरा पंचायत में जिस तरह से अरुण कुमार राय जी मुखिया के रूप में यहां इस पंचायत को जितना सुंदर तरीके से देखरेख किया था और जितने तरीकेबद्ध से इन्होंने अपने पंचायत को डेवलप किया था, आज उसी का दिन है, देन है कि यहां की आम जनता एकजुट होकर इनकी पत्नी को यहां पे नॉमिनेशन पर्चा दाखिल कराया। कल इन्होंने जिस तरह का नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किया था और जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा हुआ था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई नॉमिनेशन समारोह नहीं बल्कि एक विजय जुलूस हो। और तमाम लोग आप देख सकते हैं, तमाम यहाँ की आम जनता यहाँ पर एकत्रित है और इनको विश्वास दिला रही है कि निश्चित तौर से इस बार हमारी पंचायत की मुखिया आप होंगी और लगातार तत्परतापूर्वक के तमाम लोग चुनावी मैदान में इनके सपोर्ट कर रहे हैं। मैडम क्या परिचय क्या हुआ, नाम क्या है? विभा देवी। आप चुनावी मैदान में हैं और निश्चित तौर से आपके पति जो थे निश्चित तौर से बहुत बढ़िया काम किए हैं, उसी का देन है कि आज तमाम लोग आपके साथ है। क्या लगता है एजेंडा क्या है आपका इस चुनाव में, यदि यहां के लोग आपको मुखिया बनाते हैं तो आपने क्या सोचा है इन लोगों के बारे में और आगे बढ़ने के लिए पंचायत का विकास करने के लिए? मेरे पति ने बहुत कुछ गांव के लिए किए हैं, वैसे ही हम भी सोचते हैं कि वैसे ही सब हम काम हम भी करेंगे, आगे उनका नाम रोशन करेंगे। तो आप देख रहे हैं अरुण कुमार राय जी की पत्नी है और जिस तरीके से अरुण कुमार राय जी ने इस पंचायत का विकास किया था वो विकास की देन है कि यहाँ देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है। मैं तो पहले भी और हर इंटरव्यू में मैं बात करता हूँ तो बताता हूँ कि ये जनता है और जनता सब कुछ जानती है, भोली भाली जनता नहीं है। आप जो करिएगा उसी का फल मिलने वाला है। ये 5 वर्ष के बाद ये आम जनता यदि आपको फिर से मुखिया बना रही है तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्म दिखते हैं और आज देख सकते हैं या कल भी जिस तरह का नॉमिनेशन में मैं उसको फुटेज में दिखाऊंगा, जिस तरह नॉमिनेशन में अपार भीड़ थी वो भीड़ चिख चिख के बता रही थी कि नहीं जो भी अरुण राय जी ने जो अच्छा काम किया है जो नहीं काम किया है और जिस तरह पंचायत का विकास किया है निश्चित तौर से आम जनता आपके साथ है, विभा देवी के साथ है और तमाम लोग यहाँ पर भी आए हुए हैं। और आइए हम जानते हैं लोगों से क्या बताना चाहेंगे। आपका क्या परिचय हुआ? सर मैं निर्मल कुमार कोलरामपुर। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, विभा देवी को आप लोग चुनावी मैदान में उतारे हैं जिता रहे हैं? जिस तरह से हमारे अरुण जी पूर्व मुखिया ने अपने कर्तव्यों का अनुपालन सही ढंग से किया जी। मैं यह वादा करता हूं कि विभा देवी भी उसी पद चिन्हों पर चलकर इस पंचायत के नाम को रोशन करेंगी। आपका परिचय क्या हुआ? विभा देवी को इस बार जिताना है। कुणाल कुमार। कुणाल जी आप जिता रहे हैं? यस। आप क्या कहेंगे सर? पहली बात कि मेरा नाम है अजीत कुमार जी और मैं इनका ब्लाइंड सपोर्टर हूं। इनके पूर्व में जो इनके पति द्वारा किया गया कार्य है वो बहुत अति सराहनीय है, जो बिल्कुल नगन था कि नहीं हो सकेगा, उनमें ये एबिलिटी थी कि वो किसी तरह से उस काम को करके दिखा दिया। जटिल से जटिल जहाँ समस्या बनती थी उस जटिल समस्या को भी समाधान करते हुए दादा भैया कह करके उन्होंने काम को समाधान निकाल दिया और काम फ्रंट पे दिख भी रहा है। और इसलिए मेरी आशा है कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए माननीय विभा देवी भी सराहनीय कार्य करेंगे, इसलिए मैं इनकी फुली सपोर्ट कर रहा हूँ। चलिए बहुत सुंदर। आपका नाम क्या हुआ? राकेश यादव। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पंचायत में पूरा विकास का काम हुआ है और जो बचा खुचा है वो अगले बार काम हम लोगों का मौका मिलेगा तो काम होगा। आप बताइए। मैं सोनू कुमार पूर्वी बबुरा पंचायत के भी मैं भी एक सदस्य हूँ, सदस्य के रूप में एक मतलब वोटर हूँ। और ये देखा जाए तो हमारे जो पूर्व जो मुखिया जी हमारे थे बड़े भाई के रूप में थे और ख़ास करके देखा जाए तो शिक्षा पे और बच्चों पे इतना ध्यान देते थे और देखा जाए तो
प्रखंड में सबसे अच्छा शिक्षित जो हम लोग चुन के भेजे हुए थे और उस तरह का वो खरा उतरे भी थे, लेकिन अफसोस है कि आज हमारे बीच नहीं है और उनकी पत्नी के रूप में आज हम लोग उनको भी आज हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा पूरा सपोर्ट, हमारे पूरा फुल्ली जो है हमारा युवा जो है वो पूरा वो सपोर्ट करते थे और शिक्षा के क्षेत्र में बाकी सारे चीज़ में बहुत ऐसा ऐसा जो चीज़ था जो बहुत किए, जो कभी मतलब वो होने लायक नहीं था, जिसको वो मिनटों का मतलब एक एक बने बहुत कम समय में उनको मतलब वो निपटा दिए, तो इसलिए हम लोग पूरा जो है हम लोग सपोर्ट हैं और हमेशा सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या बताएंगे, आपका नाम क्या है? हमारा चंदन राय। चंदन जी, क्या लगता है अगली बार विभा देवी को आप लोग मुखिया बना रहे? मुखिया बनाएंगे और उन जा तो बहुत हम लोग के गांव किए हैं और वही आशा पर विभा देवी को भी बनाएंगे। आप क्या कहेंगे, आपका नाम जी? क्या? मेरा नाम कुणाल कुमार है। कुणाल जी क्या कहेंगे? बहुत वो अच्छा काम करके गए हैं, जो नहीं हम लोग सोचे भी नहीं थे वैसा काम करके गए हैं, इससे भी बेटर विभा देवी को हम लोग पूरा सपोर्ट के साथ खड़ा करवाए हैं, इनसे भी हम लोग चाहेंगे कि वैसा ही करेंगे, करेंगे करके दिखाएंगे जनता लोग। बहुत सुंदर। तो आप देख रहे हैं ये तमाम, ये जो पंचायत है पूर्वी बबूरा पंचायत है और पूर्वी बबूरा पंचायत के तमाम युवा साथी हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, और हालांकि मैं बता दूं कि पूर्वी बबूरा पंचायत बुद्धिजीवी लोग यहां पे रहते हैं और जितने भी लोग सब एजुकेटेड लोग हैं, इन लोगों को पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और ये कभी भी फैसला लेते हैं तो उचित फैसला लेते हैं। तो इस तरह सिर्फ एक बुलाने से और ये तमाम लोग आ जाएं तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अरुण राय जी का एक बहुत बढ़िया एक मैसेज गया है और उन्होंने अपने पंचायत को इतना सुंदर तरीके से, इतने सुदृढ़ तरीके से बना के रखा है कि विभा देवी को मुखिया बनाने के लिए तमाम लोग तत्पर है। आप देख सकते हैं सब लोगों के मन में बस यही है कि अब की बार हमें विभा देवी को मुखिया बनाना है। क्यों बनाना है आप स्पष्ट समझ सकते हैं, चूँकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके किए गए कार्य सामने आ रहे हैं। चूँकि आप अच्छा काम करेंगे तो आपके परिवार के लिए भी अच्छा होता है, यह एक मैसेज आता है इस पंचायत से, इस पंचायत से एक शानदार मैसेज तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए जाता है। वो जनप्रतिनिधि जो कि सत्ता में रहने के बावजूद भी पंचायती मैदान में जब आते हैं, जैसे ही मुखिया का चुनाव होता है या और किसी का चुनाव होता है, वो हार जाते हैं। आप यहां देख सकते हैं पूर्वी पंचायत में कि वो नहीं है, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां की तमाम जनता इनकी पत्नी के फेवर में है और इनको मुखिया बनाने के लिए उठानी है कि अब की बार इनको मुखिया बनाना है। तो कहीं ना कहीं आपके सत्कर्म, आपके अच्छे कर्म, आपके विकास के कार्य ये चिक चिक के बताता है कि यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आपके पक्ष में तमाम लोग रहेंगे। आइए कुछ युवा साथी और हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिट्टू कुमार, माननीय स्वर्गीय अरुण कुमार राय, मैं मतलब भतीजा हूं मैं, ठीक है? कहना ये चाहता हूँ कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें थाना अध्यक्ष, जो हमारे बरहारा थाना है, वहाँ तक वो बोल चुके थे कि ऐसा मुखिया आज तक हमने कभी नहीं पाया, आपके प्रखंड का ऐसा मुखिया हम आज तक नहीं पाए। हम अब इससे इसके आगे हम कहीं कुछ नहीं सकते, कहने लायक ही कुछ नहीं है कि आपकी बार आप लोग विभा देवी को जिता रहे हैं। अब कल का जुलूस देख के आप खुद बता सकते हैं, कल का फोटो अगर आप देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा। आपका आपका नाम क्या है? रोशन कुमार। रोशन जी, विभा देवी मुखिया बन रहे हैं, हाँ आप लोग का सपोर्ट है? हाँ। आप क्या कहेंगे बाबा? हम लोग, हमारा नाम है श्याम बिहारी जी। जो समाज होगा तो इसे किया जाएगा जी। माता जी अभी आई हैं, आप बताइए क्या लगता है विभा देवी अब की बार मुखिया बन रही हैं? अब की बार हमन के मन बानो की बन जस मुखिया। हाँ, आप लोग लगी हैं दम प्रयासरत है। आप आपका नाम क्या है? राहुल कुमार है। राहुल जी क्या लगता है अरुण राय जी अच्छे काम किए थे? बहुत अच्छा काम किए थे, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा किए। विभा देवी को आप लोग मुखिया बना? हाँ, हम उनकी सुने जो हमारी सुने, ठीक, हम उन्हीं को चुनेंगे जो हमारी बात सुनेगा, ठीक। ये एक ऐसा मुखिया थे जो हम लोग को बार बार आ करके, हाँ क्या काम है, कुछ काम है, जो करना है करवाइए, उनसे एकदम घुल मिल के हम लोग काम करवाते थे। इस बार भी हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं और फुली सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह ये तमाम लोग जो हैं आप देख सकते हैं, ये तमाम लोग एकजुट हो गए, बाहर में भी कुछ युवा साथी खड़े हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं, ये तमाम लोग चिक चिक के कह रहे हैं कि विभा देवी को हमें अब की बार मुखिया बनाना है। इसका मुख्य कारण है कि जिस तरह अरुण कुमार राय ने मुखिया के रूप में अपने इस पंचायत का विकास किया था, तो निश्चित तौर से विभा देवी से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं और वो तमाम जो कार्य अधूरे रह गए हैं हम लोग किसी और पे रिक्स नहीं लेंगे, हम लोग विभा देवी से ही कराएंगे, चूंकि निश्चित तौर से इनको पता होगा कि क्या क्या चीज़ और कैसे करना है। चूंकि एक सलाह होता है, अरुण कुमार राय जी निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अपने परिवार में सलाह लिए होंगे बहुत सारे। यहाँ पे पंचायत सरकार भवन नहीं था, किसी सज्जन ने बताया कि उन्होंने डिमांड किया और पंचायत सरकार भवन बन रहा है, तो निश्चित तौर से ये तमाम जिस तरह का आप देख रहे हैं जय घोष कर रहा है, कहीं ना कहीं उनके अच्छे कार्य का ही नतीजा है कि तमाम लोग
विभा देवी को जयकार बोल रहे हैं, जयकारा जयघोष का नारे लगा रहे हैं, तो एक शानदार मैसेज पूर्वी बबुरा पंचायत से जा रहा है कि आप अच्छे काम करेंगे तो निश्चित तौर से आपको यहाँ की जनता या आपके पंचायत की, आप जिस पंचायत के हो वहाँ की जनता आपको हाथों पर ले लेगी, चूंकि ये वही जनता है जी। हम, मेरा नाम चंदन कुमार है, विभा देवी जो चाची लगती हैं गांव के लिए बहुत विकास अरुण चकिए हैं, ब्लॉक भी बनाए बेटी बहन के लिए गांव के लिए, और कोई मुखिया कह रहा है कि हम ब्लॉक बनाए हैं, कोई कह रहा है कि हम बनाए हैं, अब मुखिया जो बनाए हैं वो तो सब कोई जान रहे हैं गाँव लोग, और कहते हैं कि हम बनाए हैं ब्लॉक बनाए हैं, और सब नली गली सब बन गए, कोई सारा अथी सब नल जल सब काम सब हो गया। आपका नाम क्या है? राजन कुमार। राजन जी, क्या लगता है कि अब की बार विभा देवी को? हाँ एकदम, मुखिया एकदम पे नहीं बिक रहे, हाँ सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं कि मुखिया जी अच्छा काम करिए। हाँ, तो मुखिया जी ने अच्छा काम किया था, इस तरह कहीं ना कहीं आपके अच्छे कार्य जो होते हैं ये आपके बाद में भी इस चीज को बताता है कि यदि आप रहे या ना रहे लेकिन अच्छे कर्म किए होंगे तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम, उसका फल जो है आपके बाल बच्चे परिवार को भी मिलता है, तो निश्चित तौर से यहाँ पे विभा देवी के रूप में मिल रहा है। आइए विभा देवी से और डायरेक्ट हम आप लोगों को फिर बात कराते हैं, जानते हैं कि आगामी जो ये जो चुनाव जो यहाँ पे वोट होने वाले हैं, यहाँ की आम जनता जिस तरह एकजुट होकर इनके साथ इनके सपोर्ट में खड़ी है, तो इनके बारे में इन्होंने क्या सोचा है? सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि निश्चित तौर से ये तमाम लोग जिस तरह का एक अभियान छेड़े हैं कि नहीं विभा देवी को मुखिया बनाना है, या कल का नॉमिनेशन में भी जिस तरह का जन सैलाब दिखा था, तो कहीं ना कहीं आपको भी गर्व होगा अपने पति पे, इस तरह का काम करके गए हैं कि आपको इस तरह की लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तमाम लोग आपके साथ आपके पक्ष में खड़े होके और आपको जिताने की बात कर रहे हैं, तो आपने इन लोगों के बारे में क्या सोचा है? यदि आपको यहाँ के लोग मुखिया बना देते हैं तो आपने क्या सोचा है? सबका साथ सबका विकास मैं करूंगी। आपके आपके पति के बहुत सारे सपने थे, क्या आप सपने पूरा करेंगे? हाँ पूरा करूंगी। ये तमाम लोगों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, सब उम्मीद पूरा कर दूंगी, सब पूरा आप करेंगे। तो आप देख सकते हैं कहा गया है कि यदि आपके पास हिम्मत है तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं, और एक इस औरत के अंदर इस तरह का आत्मविश्वास है कि मैं उन तमाम चीजों को पूरा करूंगी जो यहाँ की आम जनता जो हमसे विश्वास लगाए बैठी है कि किस तरह विकास होगा, क्या क्या योजना है, तमाम लोगों की एक कमेटी बना के और लोगों से कैसे इसका निष्पादन किया जाए उस पर लगातार तत्पर रहती है, तो कहीं ना कहीं विभा देवी भी लोगों से घुल मिल के और अपने विचार के बदौलत, अपने व्यक्तित्व के बदौलत, अपने इंसानियत और अपने ईमानदारी और कर्मठता से जानी जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पति अच्छे कर्म किए हो और पत्नी का अच्छा व्यवहार ना हो तो लोग सपोर्ट करें, कहीं ना कहीं इनका भी व्यक्तित्व तो दिखता है, कहीं ना कहीं इनकी भी ईमानदारी, इनकी भी कर्मठता दिखता है और इनका भी व्यवहार ऐसा है, तब ना आज एक फोन पे तमाम लोग इकट्ठा हो गए, तो कहीं ना कहीं आपका व्यवहार यदि अच्छे रहेंगे तो आपके साथ लोग रहेंगे। तो और क्या कहना चाहेंगे मैडम, सब एक संदेश दीजिए, क्योंकि तमाम लोग जो लोग नहीं आ पाए हैं उन लोगों को आप मैसेज क्या देंगे? चुनाव आ गया, सारे लोग आप क्या मैसेज क्या देंगे, क्या कहना चाहेंगे? अब तो आगे न कर सकते हैं सर, जो निकलने के बाद जो बताएंगे, अभी अभी तो जो मेरा हस्बैंड करके जो हाँ जो छूटे हैं उनको जोड़ेंगे, जो छूटे हैं उनको जोड़ेंगे, जो लोग छूट गए हैं उनको जोड़ने का काम करेंगी, तो निश्चित तौर से विकास की गंगा बहेगी और पूर्वी बबुरा पंचायत के तमाम लोग जिस तरह यहाँ पे चिक के लोग बोल रहा है कि हम विभा देवी के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं इनके व्यवहार और इनके पति के किए गए कर्म का ही देन है कि ये तमाम लोग इनके सपोर्ट में है और इनको मुखिया बनाने की इच्छा है। इसी तरह देखते रहिए पूर्वी बबुरा के तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे समृद्धि न्यूज़ पर। कैमरा पर्सन अंगूर के साथ मैं अशोक तिवारी। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़, एक नई खोज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।